में कमजोर वर्ग के दिव्यांगों को 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहली किश्त के तहत 25 लाख रुपए के चेक लाभार्थियों को वितरित किए गए। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए दिव्यांग लाभार्थियों को ऋण वितरण किए गए हैं। इस अवसर पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरपर्सन निर्मला बैरागी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आसान किश्तों पर बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। उन्होंने मंगलवार को 50 लाभार्थियों को करीब 50 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया और पहली किश्त 25 लाख रुपए लाभार्थियों को चेक वितरित किए और अगले 10 दिनों तक दूसरी किश्त भी लाभार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस ऋण वितरण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की चेयरपर्सन मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आसान किश्तों पर ऋण मुहैया करवाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना रोजगार चलाना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन करे, उसे नियमानुसार ऋण दिया जाता है। यह ऋण बिना गारंटी के होता है और बहुत ही कम किश्तों में वसूला जाता है। यदि ऋण को सही समय पर पूरा कर देता है तो उसके तुरंत बाद भी लाभार्थी ऋण ले सकता है। निगम के जिला प्रबंधक पाहुजा ने बताया कि निगम द्वारा 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। पहली किश्त 50,000 रुपए और दूसरी किश्त 50,000 रुपए निगम द्वारा ऋण की वसूली प्रति तिमाही व 6 माही की जाती है। निगम द्वारा 3 वर्गों में ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इनमें पिछड़ा वर्ग की जातियां, अल्पसंख्यक समुदाय तथा 40% दिव्यांग शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक आय 98,000 रुपए व शहरी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए तक हो तथा दिव्यांगों के लिए असीमित है। एक राशन कार्ड पर 1 ऋण लिया जा सकता है। ऋण की वापसी 5 वर्ष में की जाती है। ऋण पर ब्याज 5 से 7% तक है। ऋण को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष, हरियाणा की निवासी हो। यदि शिक्षा ऋण लेना चाहता है तो आयु 18 से 35 वर्ष है। आवेदन निगम की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। इस अवसर पर परियोजना सहायक गुरमीत सिंह, ऑपरेटर विक्रम सिंह तथा विशाल सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल की गौशाला रोड पर, जहां पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पिछड़ा वर्ग आयोग की चेयरमैन श्रीमती निर्मला बैरागी जी। आज वो यहाँ पर की खास मकसद से आई हैं, कुछ ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आई हैं, कुछ ऐसे लोगों तक सरकारी योजनाएं का लाभ देने के लिए आई हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनको हम दिव्यांग जन कहते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। जी, धन्यवाद। मैम, आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कॉरपोरेशन है, जो इसमें स्वरोजगार के लिए जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता की जाती है। वैसे अगर मान ले निगम की बात करूं तो उसमें हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं, बीसी और आपके हैंडीकैप्ड और माइनॉरिटी। और इसमें हमारी 3 तरह के जो हैं, हम इनको स्वरोजगार के लिए लोन अप्लाई देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है ये दिव्यांग के लिए है, यानी हैंडीकैप्ड के लिए, जो लगभग 40% हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए हम लोन प्रोवाइड कराते हैं सस्ती दरों पे। और इसके लिए हम 1 लाख रुपए का लोन बगैर गारंटी के देते हैं, यानी कि उसमें कोई गारंटी, बैंक की तरह कोई गारंटी नहीं। अगर बात निगम की करूं तो निगम एक बैंक की तरह ही काम करता है। जैसे मान लो लोन दे लिया, आप इसमें 50 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेंगे तो उसमें बैंक की तरह गारंटी देनी पड़ती है। लेकिन 1 लाख तक का लोन जो है वो हम उन कमज़ोर वर्ग के लोगों को देते हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, चाहे वो दुकान करें, ब्यूटिशियन का काम करें या रेडी वगैरह फल वगैरह का काम करें, किसी भी तरह का काम करें। इसमें हम जो 1 लाख रुपए देते हैं वो 2 किस्तों में देते हैं, यानी कि 50,000 हम उनको पहली किस्त में देते हैं कि आप अपना सामान खरीद लें। मान लो किसी महिला को अपना सिलाई सेंटर खोलना है तो वो अपना मटेरियल खरीद ले या 1-2 मशीन खरीद ले और उसके बाद वो अपना बिल जमा करा दे और फिर उसको हम आगे 50,000 रुपये दे देते हैं। इस तरह से जो है ये डिपार्टमेंट कमज़ोर वर्ग लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए काम करता है।
जी मैडम, अगर हम आज की बात करें, आज कितने दिव्यांग जनों को ऋण उपलब्ध करवाया जाना है? आज का हमारा तो था 51 का, जैसे अभी बात की तो 51 लोगों को हमने आज लोन देना था, उसमें हमने 50,000 का लोन जो है आज लोगों को प्रोवाइड कराना है। मैम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें या ऋण वापसी की बात करें, तो इनके लिए किस तरह की वो सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि ये कंफर्टेबली इजीली लोन को वापस कर सके? देखिए, ऋण वापसी की तो इतनी अच्छी सुविधा है इनके लिए, अगर मान ले काम हम अपने ईमानदारी से और मेहनत से काम करें तो ये बहुत अच्छा एक छोटा सा कदम है। जो लोग काम करना चाहते हैं और जिनमें टैलेंट है काम करने का, तो वो ही काम को कर सकते हैं। और लोन की अगर मान ले किस्त की जो है, इनकी किस्त भी जो है ना बहुत छोटी सी ही होती है, 1,000 की होती है, 500 की होती है, या फिर उनके काम के ऊपर होती है। अगर वो काम में ज्यादा देना चाहते हैं तो वो ज्यादा भी दे सकते हैं। और इसकी इसका समय भी बहुत ज्यादा है, 5 से 6 साल तक का होता है। मैडम, अगर एक व्यक्ति अपनी समय अवधि के अनुसार ऋण चुका देता है सरकार द्वारा जो उसको सहायता प्रदान की जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि बैंक में अगर हम जाते हैं ऋण के लिए तो पहले हमारा वो सिबिल चेक करता है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं, जैसे कि आप हमें पहले बता चुके कि बिना गारंटी के लोन। हाँ, बिना गारंटी। तो मैम, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज या कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज उनको पूरी करनी है? इनको फॉर्मेलिटीज कुछ ज्यादा पूरी नहीं करनी पड़ती, जैसे इनको आधार कार्ड है या भाई जो एक सिंपल सा ही होता है, आधार कार्ड हो गया, वहाँ कहाँ का रहने वाला है, क्या काम है, किस काम के लिए आपको लोन लेना है, उस काम की गारंटी, भाई मैंने आज दुकान खोलनी है, तो इस तरह से जो है ना ये हमारा फील्ड अफसर देखता है फिर कि भाई वाकई में इसको इस लोन की जरूरत है, और फिर इसके यहाँ से ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।